कांति गामित गुजरात में बीजेपी नेता हैं, राज्य में आदिवासी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। पुलिस ने इन्हें और इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कांति ने अपनी पोती की सगाई में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी, जिसके चलते उनके ऊपर कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। जांच के आदेश दिए गए थे। मामला दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने कांति और उनके बेटे समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टुडे की गोपी मनियार की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले तापी जिले के डोसवाड़ा गांव में कांति की पोती की सगाई हुई थी। सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें करीब 6000 लोग गरबा खेलते और आसपास खड़े दिख रहे थे। इन लोगों ने ना मास्क लगाया था और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद कांति गामित के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये केस आईपीसी की धारा 308 यानी कि गैर इरादतन हत्या की कोशिश, 188 यानी पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करना, 269 ऐसी लापरवाही करना जिससे खतरनाक बीमारी या संक्रमण फैलने की संभावना हो, 270 ऐसा घातक काम करना जिससे खतरनाक बीमारी या संक्रमण फैलने की संभावना हो, और महामारी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ और अब इस पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसके अलावा सोनगरा पुलिस थाने के तहत आने वाले इस इलाके में ये सगाई हुई थी। इस दौरान जो पुलिसकर्मी तैनात थे ड्यूटी पर, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गुजरात में किसी नेता को गिरफ्तार करने का ये पहला मामला है। गिरफ्तारी से पहले कांति गामित से पुलिस ने पूछताछ भी की थी। उस दौरान बीजेपी नेता ने कहा था कि उन्होंने 1500 से 2000 लोगों को खाने पर बुलाया था, लेकिन लोगों को व्हाट्सएप पर इस फंक्शन की जानकारी मिली तो पूरा गांव वहां आ गया, वो लोगों को मना नहीं कर सके। इसके अलावा बीजेपी नेता ने माना है कि उनसे गलती हुई। बता दें कि गुजरात सरकार ने शादियां ऐसे किसी भी फंक्शन में 100 लोगों की लिमिट तय की है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप लटक शॉर्ट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बतला भी दूं, पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुँचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।